हेलो गाइस, तो फाइनली आज वो दिन आ चुकी है कि आज हम लोग घर के लिए रवाना हो रहे हैं। क्या बोलूँ, तो बहुत मिस करेंगे दार्जिलिंग को, तो इसलिए हम लोग सब घूम के आ गए थे मॉल मार्केट से सुबह सुबह, और हमारी गाड़ी भी आ चुकी थी, तो इसलिए हम अपने सामान जमान जो हमने कल पहले रात को ये सब पैकिंग किए थे तो वो सब लेकर गाड़ी में रख रहे थे। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि हमारे घर में काम चल रही है और साइड में भी मम्मी काम कर रही किचन में, तो इसलिए आपको बैकग्राउंड नॉइज़ से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो कोई नहीं, वी आर फीलिंग सैड बट एट द सेम टाइम वी आर हैप्पी टू, क्योंकि हम घर जाने वाले थे। तो आज आप जो देख रहे हो ये मिरिक रोड से हम जा रहे हैं। जब यहाँ से बहुत लोग है कि मिरिक रोड से भी एंट्री करते हैं दार्जिलिंग जाने के लिए, ये रोड भी पकड़ते हैं, पर हम दूसरी रोड से आए थे। बट अब जब हम जा रहे हैं वापस, तो हम मिरिक रोड से पकड़ के हम सिलीगुड़ी जाएंगे। तो हम एक कैफ़े में रुके थे और ये कैफ़े एकदम गोपालदारा टी गार्डन में ही है, तो वहाँ पर हमने मोमो ट्राई किया। और आप लोगों को पता है दार्जिलिंग के मोमो कितने फेमस है, बहुत टेस्टी होती है। और ठीक है, तो हम चले आए मिरिक लेक पर। कुछ लोगों को लगेगा ये तो मिरिक लेक नहीं है, पर हाँ ये भी मिरिक लेक है, क्योंकि हम दूसरे रास्ते से एंट्री कर रहे हैं। तो आपको थोड़ी देर में बाद में पता चलेगा कि ये मिरिक लेक है। और यहाँ पे भी हॉर्स राइडिंग होती है, आप लोग घूम सकते हो। और यहाँ की नज़ारा ना बहुत ही ब्यूटीफुल थी, मतलब ये देखकर हम लोग बहुत खुश हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लंच करके हमने अपनी जर्नी और भी आगे चले गए। और यहाँ हम पहुँचे टीलिंग व्यू पॉइंट, जो यहाँ से रोड बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत लगती है। और यहाँ पर भी आप लोग फ़ोटोशूट कर सकते हो यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस से। और यहाँ की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट जो ट्रेडिशनल ड्रेस थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी और बहुत सुंदर थी। पर यहाँ हमने, मतलब मैंने भी ट्राई किया था यहाँ का ड्रेस, तो यहाँ का जो ड्रेस का वो फेयर थी वो 100 रुपीज़ के थे, फिर भी हमने लिया क्योंकि ये डिफरेंट थी। तो आपने देख चुकी है शायद मेरी इंस्टा पे। क्या दुष्टु कौन तो दीदी, तो हमारी जो छोटी बहन थी लूसी, तो उसको इतना सताने के बाद हम चले आए सिलीगुड़ी, जो एकदम मतलब हम पहाड़ में थे और जल्दी भी हम लोग प्लेन एरिया में आ चुके थे। तो बहुत कैसे लग रही थी, मतलब बहुत सैड सैड लग रही थी। और एक चीज़ हमने नोटिस की, हमारी टेम्परेचर जो थी वो बहुत चेंज हो चुकी थी, यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी लग रही थी कंपेयर टू यू नो। तो हम आ चुके हैं सिलीगुड़ी बस स्टैंड, और यहाँ हमने श्यामोली वेटिंग लॉन्च पे आ चुके थे, तो यहाँ पर हमारी बस आएगी। लिसा लिसा लिसा, व्हाट हैपेंड टू यू? मैं अपना छाता भूल गई गाड़ी में। पुराना छाता और नया छाता? नया छाता जो बाइक किया था दार्जिलिंग से, उसका पोस्टर देख Give it time, I know that I'm not easy, this cold heart of mine, she really took a beating before you. কি দেখবি বলছিলিস? হ্যাঁ, রেকর্ড না।
नहीं सो फाइनली बोलपुर पहुंच गए थे और वो भी सुबह के 4 बजे और यहाँ से हमने टोटो ली और हम अपने घर आ चुके थे और बहुत हैप्पी थे। और ये सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है, तो मिलते हैं, बाय बाय।